हेलो शिवानी। हाय। हे शिवानी, तू लगती है रानी। छप्पर सा बना रखा है, इसके अंदर एक चूल्हा है। कभी भी पहाड़ों में आओ ना एंड चलते हैं हम इसके अंदर। और पलटा है ना ये घास ज्यादा तो। हेलो हेलो, तो वीडियो बनाओ अपन और बैठियो तब। ककड़ी ठीक आओ, ये ककड़ी देखिए दोस्तों। हाँ जरूर आओ, अब बोलो ना। तो ऑलमोस्ट मतलब बिना प्याज के भी अगर सब्जी वगैरह दाल वगैरह आप खाते हो ना तो टेस्टी लगता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरह का कल्चर है। हम सुबह 8 बजे देखा, ये बाहर के लोग समझते पहाड़ में आएंगे तो गोरे होंगे, यहाँ पे गोरे एक्चुअली। मेरे गोबर की क्वालिटी इतनी अच्छी। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मेरा गांव में पाँचवा ही दिन है शायद। हाँ, कल की वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया था मैंने। आज मेरा 5वां दिन है गांव में एंड आज भी वही मौसम है। आज का मतलब क्या बताएं यार, बारिश आज भी हल्की फुल्की अभी हो ही रही है, बिल्कुल हल्की हल्की। अभी तेज़ होने लग गई है जैसे मैंने बोला, लगता है भगवान मेरी जल्दी सुन रहा है कुछ। तो मुझे लग रहा है आज का प्लान भी कैंसिल ही है, जहाँ मैंने जाना था फिर से उसे सीक्रेट ही रखना पड़ेगा मुझे। खैर, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखा है, पहाड़ इस समय कोहरे में छुप गए हैं। और कल जो मैं दिखा रहा था ना आपको, पेड़ पे जो लटका रखे हैं, किसी हमारे राणा जी हैं कोई, ब्रजेश राणा, एंड उन्होंने कमेंट कर रखा था, उसे बोलते हैं न्यार। तो मैं आपको बता दूँ, उसे बोलते हैं न्यार। एंड बारिश अगेन होने लग गई है, थोड़ी तेज़ हो गई है। कल के ब्लॉग की शुरुआत मैंने गाने के साथ करी थी, तो आज मैंने सोचा यार बोर ना करें सबको। खैर फ़िलहाल तो अभी मैं उठा ही था थोड़ी देर पहले, आज मैं बहुत लेट उठा क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई है। रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था गांव में और मुझे लग रहा है कि ठंडियों की शुरुआत हो गई है अब उत्तराखंड के पहाड़ों में, खासकर जो हाइट पर एरियाज़ हैं, जैसे हमारा गाँव है, ये चोपता वाले इलाके हो गए, गोपेश्वर हो गया, जोशीमठ, चमोली वगैरह, इन सब साइड में मतलब ठंडी अब शुरू हो जाएगी। हमारे हिंदौ साइड, हिंदौ पट्टी में जहाँ मेरा नानी गांव है। गाइस, ये है हमारी भतीजी शिवानी। हेलो शिवानी। हाय। हे शिवानी, तू लगती है रानी। दूध की दुकान में तू पीती है पानी। और शिवानी क्या, शिवानी कहाँ खड़ी भी चन कम चन दिखाओ। तो दोस्तों शिवानी अभी हमें दिखा रही है, दिखाने ले जा रही क्या, ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी जो देखिए वो लटकी हुई है पेड़ पे। ए यार, थोड़ी नज़दीक वाली नहीं है कोई? ये है गाइस ककड़ी, उसके अंदर है बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हो ना अंदर वो है ककड़ी। यहाँ पे शिवानी आ गई है ककड़ी निकाल के, देखिए हाथ में ये कितना बड़ा दाथड़ पकड़ा हुआ है इसने, और ये ककड़ी निकाल ली है इसने। ककड़ी ठीक आओ, ये है ककड़ी देखिए दोस्तों, पहाड़ी ककड़ी इसे बोलते हैं, खीरे की टाइप है ये भी, एक पहाड़ी ककड़ी है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है एंड हाँ जरूर आओ, अब बोलो ना। ओके गाइज, ये देखिए पहाड़ी ककड़ी ऐसी होती है, इतनी मोटी और इतनी मतलब बड़ी है साइज़ में एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और इसे हम थोड़ी देर में भी खाएंगे नमक वगैरह लगा। तो गाइज बाहर तो मतलब बारिश ही हो रही है एंड इस समय मैं खड़ा हूँ भैया लोग का ये जो साइड पे एक पुराना छप्पर सा बना रखा है, इसके अंदर एक चूल्हा है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। एंड इस समय बारिश हो रही है यार बहुत ज़्यादा गांव में, मतलब हल्की हल्की वही किणमिण सी चल रही है। और सामने ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, ये लगी हैं छेमी होती है राजमा, जो गाँव की दाल होती है, और ट्रस्ट मी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है यार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जब कभी भी पहाड़ों में आओ ना तो जहाँ भी आप स्टे करो, कहीं भी आओ तो बोलो घर की दाल खानी है, जो राजमा होती है गांव की, तो ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार अपनी ज़िंदगी में, कभी भी अगर पहाड़ों में आओ, खासकर उत्तराखंड में। एंड चलते हैं हम इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ पे ये शिवानी भी बैठी है एंड राहुल, रोहित, मैं आप मतलब भतीजे का नाम ही भूल गया। राहुल मुझे ना अपना वो याद आ गया, कल बात करी ना मैंने राहुल से अमृतसर में, तो मुझे उसका थोड़ा याद आ गया माइंड में। तो रोहित है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है, ये बड़े भैया की लड़की है, ये छोटे भैया का लड़का। एंड गाइज मैं दिखाता हूँ अभी आपको कुछ, ये है वही तरबूज जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था। तरबूज ये एक्चुअली वो वाला नहीं है,
मीठा वाला तरबूज नहीं है, सब्जी वाला तरबूज है ना, सब्जी बनती है इसकी, है ना? सब्जी बनती है, सब्जी बनती है ना, सब्जी बनती है, बिल्कुल भुजी बनती है इसकी ये की भुजी बन दी। यू क्या चू, पता नहीं मैंने आज पहले बार देखा, ये क्यों यार, मैं पता नहीं पहली बार देख लूंगी। क्या चू, क्या नाम है गाइस, किसी को पता तो जरूर बताइएगा यार मुझे कमेंट सेक्शन में। नहीं पता तो अभी नहीं पता मुझे, अमरूद लगा, पहाड़ी अमरूद अमरूद है, जैसे कांटे वाला अमरूद ही क्या है, पहाड़ी सब पहाड़ी करेला, पहाड़ी अमरूद मेरे को वो लगा, पहाड़ी अमरूद होगा वो दिखने में। फिलहाल अभी हम चलते हैं ये देखते हैं गाइस, यहाँ पे पुराने जमाने का मतलब ये कहते हैं ना चूल्हा बना हुआ है ये, जैसे ये मैंने पंजाब में भी देखे हैं, जो एक बार कई बार मैं वहाँ गाँव वगैरह में गया तो वहाँ पे देखा मैंने बने होते थे ऐसे, एक में तो मैंने देखा था यार थे वहाँ पे इस तरह के, आज भी हैं। और यहाँ पे गाइस यू क्या बोल रहे हैं, ये जो बना हुआ है यहाँ पे ये लैंप रखने के लिए होता था पुराने ज़माने में, लकड़ी का यूँ इस तरह से बनाया होता था, इसके ऊपर यहाँ पे लैंप रखा जाया करता था। और गाइस इसे बोलते हैं दाथड़ा, ये काटने के काम आता है घास जंगल में, दाथड़ा बोलते हैं हिंदी में, दरांदी पंजाबी में दातर, बहुत कुछ। एंड ये स्वेल्टा, ये स्वेल्टा है ना, ये घास ले आना थे, है ना, घास ले आना थे। और यूच कंडा, ये आपने मेरी अगर मधमेश्वर वाली वीडियो देखी होगी ना दोस्तों, तो आप इस कंडे को पहचान सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो के स्टार्ट में इस कंडे का ही चर्चा हुआ था। और ये मतलब पुराने स्टाइल का, मतलब विंटेज एकदम छप्पर बना हुआ है, ऊपर टिन की या क्या बोलते हैं चादर, ये चादरें हैं, ये जो चादर सी लगा रखी हैं, ये पानी नहीं आता नीचे। और यहाँ पे हमारी सब्जी आ गई है गांव की एकदम कट कटा के, और ये बनेगी अभी भुजी। क्या चाहिए, क्वेल हमें होता है, अच्छा हमें होते हैं यार, कद्दू वही हुआ तो ये दोस्तों ये पहाड़ी कद्दू है, जो कि अभी बहुत बड़े साइज का होता है, अभी तो कट गया है, खैर दिखा नहीं सकते हम आपको। खिरकोस, क्या खिरकोस, भुजी बन गई खिरकोस, अच्छा इसको बोलते हैं खिरकोस। ये यार बड़े कांटे से है इसमें यार, पता नहीं कैसे खाते होंगे लोग इसे, ये निकाल देना कांटा। और ये हमारे भाभी जी, भाभी जी प्रणाम, हेलो हेलो तो बोलो, हेलो तो बुआ, हेलो तन तन बना की वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ बनाओ बैठी तब चुप चुप आए। और ये अभी हमारी भुजी बनने वाली है पहाड़ी स्टाइल में, चलो बनाइए तब, आज पूरा शूट किया जाएगा, लगा के खाएंगे। ओहो हो, ओ मैं तो गिरने वाला था, अभी मजा आएगा, अभी गढ़वाली स्टाइल में पहाड़ी पहाड़ी फूड तैयार होने वाला। अम्योत अम्योत, अरे अम्योत बोलिएगा, नहीं अम्योत तो अभी हमारे कुछ गेस्ट आ रखे थे, जान तेल में जीरा डल गया और पहाड़ी सब्जी बनने वाली है। अब तुम भी तो गा दिया ना, तुम भूल गए यार। ओके देखिए यहाँ पे आग नहीं जली ऊपर, ये पहाड़ी कद्दू है, कद्दू हमें और बोलते थे। ये देखिए दोस्तों पहाड़ी तड़के लगे गए हैं अभी, मतलब पहाड़ी चूल्हे पे पहाड़ी तड़के लग गए हैं। क्या प्याज कुछ नहीं, ये है बिना प्याज के सब्जी बनेगी, देखते हैं कैसी बनती है, कितनी टेस्टी बनती है। खुशबू तो खैर दोस्तों बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। एंड यहाँ पर मैंने देखा है यार ऑलमोस्ट मतलब बिना प्याज के भी अगर सब्जी वगैरह दाल वगैरह आप खाते हो ना तो टेस्टी लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ है यहाँ पे पहाड़ों में, कुछ खास है या सब्जी। दोस्तों अभी रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में, ये बुलड़ी की बनाओनी सब्जी ये बुलड़ी देखी जा तुम ढंग से, ओ बॉडी रोहित देख लीजिए दोस्तों, ये है गांव का कल्चर, उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरह का कल्चर है, खाने से लेके रहने सहने का बहुत काम करते हैं यार यहाँ के लोग ना, बहुत सुबह 5 बजे उठ के
जल्दी नहीं हो जाऊ सुबह 8 बजे। चाचा ये बाहर के लोग समझते पहाड़ में आएंगे तो गोरे होंगे, यहाँ पे देखो। हाँ यार एक चीज और दोस्तों, एक चीज मैं सच में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पता नहीं जो अब यहाँ के लोकल हैं वो तो चलो हैं यार गोरे चिट्टे ऐसे ही हैं, मतलब उनको यहाँ की आदत पड़ी हुई है, यहाँ का पानी उन पर चढ़ा हुआ है, लेकिन हम जैसे आते हैं ना बाहर से यहाँ तो पता नहीं क्या होता है यार, 3 दिन के अंदर अंदर रंग एकदम चेंज हो जाता है। लाइक मैं तो हूँ वैसे भी काला हूँ पर और काला हो गया हूँ यहाँ आके। एंड ये रोहित भी बहुत गोरा था जब ये आया था, लेकिन अब बहुत वीडियो में दिख रहा है। एक्चुअली मेरे GoPro की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये है काला भी रियलिटी में जो मेरे सामने। एंड अभी बस सब्जी थोड़ी देर में बन जाएगी। तो गाइज़ यही था हमारा आज का वीडियो, थोड़ा सा मतलब पहाड़ी फूड दिखाना चाहता था मैं आपको। ये मतलब जो ये जो आपको तरबूज दिखाया या ककड़ी दिखाई या कटा हुआ अमियोत जो कद्दू होता है वो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंकोड़े मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिए थे, बहुत सारी लेंगड़ों की सब्जी होती है एक, वो जंगलों में होते हैं, वो अगर होंगे आजकल तो मैं जाऊँगा ढूंढने, लेकिन और भी बहुत कुछ दिखाऊँगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और उसी के साथ हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सी यू गाइज़।